चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। और लड़ेंगे, जीतेंगे, और लड़ेंगे, जीतेंगे। निकलो बाहर मकानों से, आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बात, आदिवासी विरोधी सरकार नहीं चलेगी अब की बात। जल जंगल जमीन से हम लोगों को खदेड़ा जा रहा है। जब चुनाव का टाइम आता है तो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, दलितों आदिवासियों की बात करती है, और शासन सत्ता में आने के बाद हम सभी दलितों आदिवासियों और मुसलमानों को कहीं नक्सली कह करके, कहीं आतंकवादी कह करके ये सब मारते हैं। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को दखल कर रहा है क्या? जल जंगल जमीन जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद का बपौसी है। अगर हम लोग दलित आदिवासी या भारत का मूल निवासी ना होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं ना होता। इसी के विरोध में हम लोग आए हैं कि हम लोगों को जंगल जमीन से खदेड़ा जा रहा है। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। मर जाएंगे, कट जाएंगे, बोली खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे इसके लिए। जमीनी का जो हमारा हक है वो दलाल और इन गुंडागिर्दी शासकों ने हमारी सारी ज़मीनों को हड़प लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। हम इस मांग को इसलिए आए हैं कि हमारी ज़मीन तत्काल हमको वापस कर दी जाए, और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अन्य कोई हो, उनकी एक स्पेशल क्राइम से जाँच होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ से आए हैं और ये लोग कौन हैं, यहाँ पर आकर के हमको हमारी जमीन से हमको उठाना चाहते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आदिवासी दलित और अल्पसंख्यक सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं, और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये जो स्टे आया है ये 24 जुलाई तक नहीं है, ये जुलाई से पहले ही अभी इसमें निर्णय देना होगा कि यथावत स्थिति रहेगी। अंबानी जो ग्रुप है ना, या व्यापारी हैं जितने हैं, तो उनको इनकी ज़मीनें उनको ले जाना, जंगल को जो ये कुछ नहीं समझते, वहाँ पर मिनरल्स रहता है, वहाँ पर लकड़ी रहती है, महंगी महंगी लकड़ियाँ हैं, वहाँ नदियाँ हैं, नाले हैं, जो खनिज पदार्थ हैं वहाँ पर, उनके रिसोर्सेज को ये मोदी सरकार ये बेचना चाहती है उनको, और उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करना चाहती है। भारत के मूल वासी आदिवासी, आदिवासी भारत के मूल मल आदिवासी, आदिवासी आदिवासी के सड़कों पर, ये आदिवासियों का जंगल से निकलने का गठबंधन सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार के साथ जो हुआ है, ये गठबंधन हम सहन करने वाले नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी हम बताना चाहते हैं, जब से आपका ये सुप्रीम कोर्ट भी नेता, तब भी हमारा आदिवासी इस दल जमीन और जंगल संपत्ति की रक्षा करता था, उसके पूजा करता था, उसको अपना देह मानता था। ये मोदी सरकार, ये गुजरात से और जिस प्रकार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आज हमने जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में जो आंदोलन हमने जो चलाया था, आज सभी हमारे जैसे जितने भी युवा थे, आज सबके ऊपर गलत तरीके से केस डालकर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी आदिवासियों को वहां पर बर्बाद करने का काम गुजरात के अंदर किया जा रहा है। आज पूरे देश के अंदर कोई इतना विस्थापित नहीं हुआ है, 2,40,00,000 आदिवासियों को भारत सरकार ने आज तक अपनी मातृभूमि से उसको विस्थापित किया गया है।